हाय गाइस, सबका स्वागत है द न्यू ट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे एक बहुत ही जबरदस्त फोन के बारे में जो कि आता है 25 से 30,000 रुपए के बजट में। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप हमें बताएं कोई फोन टेस्ट करके जो इस बजट में लेने के लिए वैल्यू फॉर मनी हो, बढ़िया सा हो, तगड़ा सा हो। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो और ये फोन। लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी फोन हमारा परफेक्ट नहीं होता। हर एक फोन के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। इसके अंदर भी कमी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो जरूर देखना ध्यान से पूरे वीडियो को। अब ये जो फोन है ये आपको आज के टाइम में एक्चुअल में 28,000 रुपए का पड़ता है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये आप ले सकते हैं 27,000 रुपए के प्राइस पे। तो फटाफट से करते वीडियो को स्टार्ट और सब कुछ बताती हूँ मैं आपको इस फोन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है एक फ्लैगशिप चिपसेट, मतलब यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888। और इस बजट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें चिपसेट जो मिल जाते हैं उनसे तो काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस के अंदर मिल रही है। मतलब एंटूतु स्कोर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइस का हमारा 8,15,000 आया है, जो कि हमारा काफी सही स्कोर है। साथ ही सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर यहाँ पे 95% आया है। एक्चुअल में आपको डिवाइस के अंदर तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ मिल जाती है। साथ ही स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है, जिसके अंदर टेस्ट रिजल्ट भी हमारे तगड़े आए हैं। और डिवाइस के अंदर यहाँ पे आप अपने सारे हैवी टास्क आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही अगर आपको हाई ग्राफिक्स पे अगर गेमिंग करनी हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ डिवाइस के अंदर हीटिंग के बारे में तो थोड़ा सा तो डिवाइस हमारा ये वार्म होता है, लेकिन कोई मेजर हीटिंग मुझे डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिली है। और आपको एक तगड़ी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर मिल जाती है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिवाइस का बैटरी बैकअप कैसा है। बहुत लोगों के लिए बैटरी बैकअप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब मुझे पर्सनली ये चीज सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है। तो यहाँ पर डिवाइस के अंदर 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसके अंदर मेरी यूजेज में मुझे एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल गया। बैकअप आपको यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। साथ ही चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है 65 वॉट का, और चार्जिंग भी हमारी फास्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं नजर आई। इसके साथ अगर आगे मैं बात करूं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है 6.62 इंच का एमोलेड पैनल में डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको ब्राइटनेस भी काफी अच्छी मिलती है, जो ब्राइटनेस टेस्ट मैंने रन किया उसके अंदर 620 प्लस की रीडिंग आई। सनलाइट में यूज करने में डिवाइस के अंदर मुझे कोई इशू नहीं आया। साथ ही डिवाइस के अंदर अगर आप कंटेंट देखना चाहें उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर कलर्स अच्छे मिल जाते हैं, ब्राइटनेस अच्छी मिल जाती है, और 4K और HDR कंटेंट को भी आप यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 120 हर्ट्ज का यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो स्क्रॉलिंग करनी हो फास्ट या फिर आपको मेरी तरह कार रेसिंग वाली गेम्स अगर अच्छी लगती हो तो आप डिवाइस को यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब इसके साथ डिवाइस के ऑडियो की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल में जितना हमारा कंटेंट देखने के लिए डिस्प्ले इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हमारा ऑडियो भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिसका कि यहाँ पे आप सुन सकते हैं सैंपल। यहाँ पे आपको डिवाइस के अंदर काफी लाउड और क्लियर साउंड सुनने को मिल जाती है, तो आप अपनी मूवीज को, म्यूजिक को, गेम्स को काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के नेटवर्क्स के बारे में तो ये हमारा एक 5G डिवाइस है, जिसके अंदर आपको 7 बैंड्स में मिलता है सपोर्ट। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं हर फोन को बेसमेंट में लाके जरूर चेक करती हूँ कि एक्चुअल में नेटवर्क स्ट्रेंथ हमें कैसी मिलती है, तो इस डिवाइस के अंदर बेसमेंट के अंदर भी मुझे 5G सपोर्ट देखने को मिल गया। मैं NCR रीजन में रहती हूँ और जियो सिम मैंने यूज करी थी फोन के अंदर। और अगर मैं नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करूं तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट फुल सिग्नल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो अगर आपका ऑफिस बेसमेंट में हो तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फोन के साथ, आप आराम से फोन पे बात कर सकते हैं। कॉल कनेक्टिविटी भी डिवाइस की हमारे यहाँ पे अच्छी है। इसके साथ ईयरपीस की अगर मैं साउंड की बात करूँ ना तो वो तो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। मतलब अगर आपके पीछे ना अच्छी खासी मार्केट में शोर होना तो भी आपको कॉल में बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टेस्ट रन किया उसमें मैंने देखा कि 95 तक हमारी यहाँ पे रीडिंग आ रही थी। तो ईयरपीस आपको काफी लाउड और क्लियर सुनने को मिल जाता है। इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे बैक में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का है हमारा यूजलेस मैक्रो कैमरा। अब यहाँ पे सबसे पहले ना वीडियोग्राफी की बात करते हैं। यहाँ पे इस डिवाइस में सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगती है कि आपको यहाँ पे ना जो एक्चुअल वाला OIS होता है वो मिलता है।
वो गिमिक वाला नहीं जिसके अंदर क्रॉपिंग हो जाती है, फ्रेम कट जाता है और आपकी मतलब क्वालिटी कम हो जाती है, वो वाला नहीं, एक्चुअल वाला आपको OIS मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो सैंपल हमारा 4K 30 FPS पे, जिसमें आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, वीडियो के अंदर क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, कलर्स हमारे पंची आ रहे हैं और फोकसिंग भी हमारे डिवाइस की फास्ट है। इसके साथ पिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो 50 वाला मेन है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको डिटेलिंग कितनी अच्छी देखने को मिल जाती है। पिक्स के अंदर आपको काफी लाइवली से इफेक्ट देखने को मिलेगा, पंची कलर्स मिल जाते हैं आपको। और इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारा ना सोनी का IMX766 का सेंसर मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे काफी अच्छी इमेजेस दे रहा है। अल्ट्रा वाइड हमारा उतना तगड़ा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 8 मेगापिक्सल का जो मिल रहा है उसके अंदर आपको कोई कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। और वैसे बुके मोड के अंदर आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्स आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं, ब्राइट अप कलर्स हैं जिससे कि पिक्स हमारी काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कमी के बारे में, तो वो आती है हमारी छोटी सी कमी सेल्फी कैमरा के अंदर। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसके सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे डिटेलिंग की कमी एक्चुअल में थोड़ी सी आपको यहाँ पे नजर आएगी, बट वैसे देखा जाए तो एवरेज सा लगेगा। मतलब यहाँ पे पंची कलर्स हैं, स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, एज डिटेक्शन भी हमारा अच्छा है, लेकिन हल्की सी आपको पिक्स जो है उनके अंदर डिटेलिंग की कमी देखने को मिल जाती है। और सेल्फी वीडियोस की मैं बात करूं तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, फुल एचडी में ही ले सकते हैं। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए तो फ्रेम क्रॉप हो जाएगा। अगर आपको फुल फ्रेम में वीडियो चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे शेकी और जर्की सा वीडियो देखने को मिल जाता है। स्किन टोन को भी अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन शेकी वीडियो आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवाइस के डिजाइन के बारे में, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता रही हूँ डिवाइस कौन सा है हमारा। और वैसे मुझे लगता है कई लोगों ने ना गेस कर लिया होगा, किस किस ने गेस किया था कमेंट करके आप जरूर बताना। और जो लोग नहीं गेस कर पाए उनको बताती हूँ मैं, हमारा डिवाइस है ये रियलमी का GT2। तो ये हमारा जो डिवाइस है ना, ये एक्चुअल में 36,000 रुपीज का फोन था, जो कि अभी आपको 28,000 में मिल रहा है। अगर कार्ड डिस्काउंट आप ले लेते हैं तो आपको 27 का पड़ जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमारा एक काफी जबरदस्त फोन बन जाता है। अब डिजाइन की मैं बात करूं तो वो मुझे इस डिवाइस का एक्चुअल में पर्सनली काफी पसंद आता है। यहाँ पे बैक में आप देख सकते हैं आपको एक अलग सा टेक्सचर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है बायोडिग्रेडेबल पेपर डिजाइन। और डिवाइस में बताऊं सारे फोन के अंदर से ना सबसे डिफरेंट लगता है, हाथ में होल्ड करो वो डिवाइस आपका बहुत ही स्टाइलिश सा यूनिक सा लगेगा। और एक्चुअल में मैं बताऊं रियलमी का ये मुझे बेस्ट डिजाइन लगता है। इसके साथ ही डिवाइस के बैक जो है हमारे ना एजेस वो कर्व्ड है, जिसकी वजह से आप इसको एक हाथ से इजिली होल्ड करके यूज कर सकते हैं, डिवाइस आपको ग्रिप में लगेगा। साथ ही बैक पैनल पे आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, तो लुक जो है ना वो हमारी काफी बढ़िया वाली रहती है। अच्छी चीज ये भी है कि आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे बैक केस मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का वो भी, और उसके साथ आपको स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है डिवाइस के अंदर। सो ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से ना डिवाइस मुझे ये काफी सही लगा। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया एक तगड़ी ऑप्शन जो कि आप खरीद सकते हैं 25,000 से 30,000 रुपए के बजट में। और इसका ना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, अगर आपने लेना हो तो फटाफट से ले लेना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। डिवाइस तगड़ी ऑप्शन है तो बहुत सारे लोग होते हैं चेक करते रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई थी आज वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।